practice extract based question from the poem For Annie Gregory by William Butler Yeats. So these types of questions are also called reference to context question. Please write the question. Read the extracts given below and answer the question that follow. Please copy the first stanza. Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. Poet is the speaker. Never shall a young man thrown into despair. जो व्यक्ति को तुम reject की हो कभी वह sadness को प्राप्त नहीं होगा because उसको अपना आस्था पता है because he loves you because of inner quality. तुम reject भी की हो वो चुपचाप शांत रहेगा क्योंकि वह अपनी strength को जानता है कि हमने प्रेम किया है तुम्हारे inner beauty से. तुम loser हो हम loser नहीं हैं. By those great honey-colored ramparts at your ear. दूसरे लोग तुमको पसंद करेंगे क्या चीज देख करके. Honey-colored ramparts at your ear. जो सुंदर honey-colored बाल की लट जो है रैमपार्ट का काम कर रहा है तुम्हारे कान के ऊपर. कानों के ऊपर जो सुसज्जित है एक दीवार की तरह तुम्हारे ब्यूटी को संजो के रखा है मानो उसको देख के पसंद करेगा. Love you for yourself alone. बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए खोजना ढूंढना जो तुमको प्रेम करेगा. What you are alone. तुम जो हो उसको देख करके. तुम क्या हो ये तुम्हारा इंटरनल ब्यूटी बतलाता है. खूब सुंदर हो अंदर से जो है झगड़ालू हो वो तुमको एक्सेप्ट कर लेगा इसी रूप में सच्चा लवर. एंड नॉट योर येलो हेयर वो तुम्हारी बाहरी सुंदरता को देख कर अट्रैक्ट नहीं हुआ है. बहुत दिक्कत होगा तुमको खोजने में ढूंढने में. आई एम द ओनली पर्सन छिपा हुआ है पोएट का लफ्ज. फर्स्ट क्वेश्चन हु इज बीइंग एड्रेस्ड टू. ऑप्शंस आर नंबर ए द पोएट, नंबर बी एन गर्गरी, नंबर सी अ लवर, नंबर डी अ वुमन. नंबर बी इज द करेक्ट आंसर एन गर्गरी. क्वेश्चन नंबर टू व्हाट Can no young man admire and love in a lady? क्या चीज एक young man admire नहीं करता है and love in a lady? What can no young man? क्या एक young man admire नहीं करता है पसंद नहीं करता है and love in a lady? और प्रेम करता है एक lady से और सही चीज admire नहीं करता है. Number A option, her moral beauty. Number B, her physical beauty. नंबर सी हर येलो हेयर, नंबर डी हर इनर ब्यूटी. हर इनर ब्यूटी इज द करेक्ट आंसर नंबर डी ऑप्शन. प्रायः यंग लवर जो है एडमायर नहीं करता है लव इन अ लेडी हर इनर ब्यूटी तो सुंदरता को देखता है. क्वेश्चन नंबर थ्री द वर्ड रैमपार्ट्स रेफर्स टू डैश हेयर द लेडीज हेयर. द वर्ड रैमपार्ट्स रेफर्स टू द लेडीज हेयर. क्वेश्चन नंबर फोर सब्जेक्टिव आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. एक्सप्लेन द इमेज इन लाइंस 3 and 4 इन 30 to 40 words. एक्सप्लेन कीजिए क्या इमेज प्रस्तुत किया गया है 3 or 4 line में 30 to 40 words में. देखो बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैमपार्ट्स एट योर ईयर इसको एक्सप्लेन करना है. क्या किया है तुलना किया गया है मेटाफरिकल बिना एज और लाइक का. हनी कलर्ड को रैमपार्ट से तुलना किया गया है इसको एक्सप्लेन करेंगे हम. लिखिए द इमेज यूज्ड हियर इज मेटाफोरिकल. मेटाफोरिकल ऐसे कंपेयरिंग को करते हैं जहां पे एज और लाइक का प्रयोग नहीं हो सिर्फ कंपेयर किया गया हो. द इमेज यूज्ड हियर इज मेटाफोरिकल इसी को एक्सप्लेन करेंगे हम. कौन चीज किससे कंपेयर किया गया है क्या चीज किसके लिए है. दोज ग्रेट हनी कलर्ड और रैमपार्ट्स एट योर ईयर. Those great honey-colored ramparts at your ear refer to the lady's yellow-colored hair. That is like a fort, जो एक किला का दीवार की तरह है. Protect her ears. दोनों का तुलना किससे किया गया बता दिया गया. Great colored ramparts at your ear refer करता है yellow hair, colored hair.
जो एक किला के दीवार की तरह उसके कानों को प्रोटेक्ट करता है, सुंदरता को संजोए हुए है. एक्सट्रैक्ट नंबर टू, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच अ कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर. बोला ऐसी बात है तो तुम कहते हो हमको पसंद करेगा सुंदर बाल को देख करके, ऐसा बात है तो मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए, मुझे सच्चा लवर चाहिए. तो मैं क्या करूंगी, अपने हेयर को डाई कर लूंगी, तब तो पहचान हो जाएगा, तब सही आदमी मिलेगा मुझे. एंड सेट सच कलर देयर, उस प्रकार के कलर वहां पे रख दूंगी. कैसा कलर, ब्राउन ब्लैक और कैरेट. दैट यंग मैन डिस्पेयर, पोएट कहता है वह जो यंग मैन डिस्पेयर में है, जिसको तुम रिजेक्ट की हो, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, जो दुखी है दुखी रहे, लेकिन सच्चा व्यक्ति हमको प्रेम करेगा, जो मैं हूँ अपने आप में, माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर. चूंकि मैं येलो हेयर को बदल दी, तब बोलो क्या होगा, तब तो पसंद करेगा मुझे, सही व्यक्ति मिलेगा. फिर ये अपना जस्टिफिकेशन देता है कि नहीं, गॉडेस ही प्रेम करता है और मैं ही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन, Who is the speaker? Options are a young man, number B a young lady, number C the poet, number D an old lady. A young lady. Number B is the correct option. Question number 2, why would she dye her hair brown, black or carrot? Option A to attract men, number B to look beautiful, number C to look not so attractive, number D to make other love her as she is and not for her looks. Number D is the correct option. Agar main rang lungi tab to sahi vyakti milega. To make other love her as she is and not for her looks. Third question. Complete the analogy about the speaker's hair. Yellow colon do blonde carrot. डैश येलो का साथी है ब्लॉन्डे, कैसा हेयर है, येलो हेयर है ना भाई, येलो का साथी खोजना है, येलो का साथी है ब्लॉन्डे, मैच करता है ब्लॉन्डे हेयर येलो है, और कैरेट का रंग कैसा होता है, हाँ तो क्या आप लिखेंगे, ऑरेंज, ऑरेंज लिखेंगे, कैरेट ऑरेंज भी होता है. एनालॉजी मतलब होता है समकक्ष वर्ड, किसके किसके लिए प्रयोग किया गया है, येलो प्रयोग किया गया हेयर के लिए, तो कैरेट का रंग क्या होगा, येलो रंग है बाल का, पोएम लिखा हुआ है, तो कैरेट का रंग क्या होगा, ऑरेंज होगा. नंबर 4, व्हाट कॉजेज द यंग मैन टू डिस्पेयर अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, ब्रैकेट में 30-40 वर्ड्स. व्हाट कॉजेज, क्या कारण है यंग मैन टू डिस्पेयर, यंग मैन दुखी हो गया, सैड हो गया, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट दुखी हो गया, रिजेक्ट कर दी उसको. द यंग मैन लव द लेडी फॉर हर फिजिकल ब्यूटी, पोएट प्रपोज करता है, लेकिन ये तो समझ रही है फिजिकल ब्यूटी का तुम किए हो, पूरा पोएम समझा रहा है कि फिजिकल ब्यूटी के लिए हमने किए हैं, और कोई करेगा, हमने किए हैं तुमको फिजिकल ब्यूटी के लिए, हम तो किधर किए हैं इनर ब्यूटी के लिए, और गॉडे करता है प्रेम. द यंग मैन लव द लेडी फॉर हर फिजिकल ब्यूटी रिप्रेजेंटेड बाय हर येलो हेयर. यंग मैन लव करता है लेडी को, ऐसा वो मानती है, फॉर हर फिजिकल ब्यूटी, कि मैं सुंदर हूँ इसलिए पसंद करता है लोग मुझे, और उसकी सुंदरता रिप्रेजेंट किया गया है, रिप्रेजेंटेड बाय ये हर येलो हेयर. द यंग मैन इज इन डिस्पेयर बिकॉज द लेडी रिजेक्ट्स हिम, यही तो क्वेश्चन है, ये क्यों डिस्पेयर में रिजेक्ट करती है लेडी को, कैसा चाहिए, पसंद कैसा उसको है, क्या वो सच्चा लवर के लिए कसौटी देती है, कैसा बात तुम बोल रहे हो, तो लो हम अपने बाल को रंग लेंगे, तुम कहते हो और को पसंद करेगा तुमको, तुम्हारे ब्यूटी से ही, हेयर से ही. द लेडी डिक्लेयर्स दैट शी विल डाई हर हेयर ब्राउन ब्लैक और कैरेट सो दैट शी कुड गेट अ ट्रू लवर हु वुड लव हर, जो उसको प्रेम करेगा फॉर हर ओन रियल सेल्फ, जो प्रेम करेगा सिर्फ उसको सेल्फ देख करके, कि मैं कैसी हूं, फिजिकल ब्यूटी छोड़ो, इनर ब्यूटी के आधार पर.